अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। 50 न्यूज़ टीवी HD में मैं हूं गुलाम नबी खान। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पहले भी मैंने 2-3 वीडियो डाली थी और वो बहुत ज़रूरतमंद है, उनकी हेल्प करे, मदद करे। अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, तो अल्लाह की रजा के लिए आप उनकी हेल्प करे, मदद करे। एक वो लड़के के साथ वो रेप किया हुआ है, 12 साल बच्चे के साथ 60 साल आदमी ने रेप किया है, अब उसकी वीडियो भी है, उनको भी इंसाफ चाहिए। इसी तरह बहुत सारे आदमी हैं जो मजबूर है, जो बेबस है, वो मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बना रहा हूँ, और आप सब मिलजुल के उनकी मदद करें, हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक औरत और उनके बच्चे और उनका एक बेटा है, उनके साथ ज्यादती हो, वो उनको कुल्हाड़ियाँ मारी गई और गन्नों से मारा गया, बट से मारे गए उनके बच्चों को। उनका कसूर यह था कि उनका एक बेटा है, वो कहीं फैसलाबाद में काम करता था, एक वो रहने वाले असल किसी गांव में आए, तो शहरी माहौल जो होता है वो पैंट शर्ट पहनने वाला है, उधर काम करता था लड़का। वो जब उस गांव में आया, उन गांव के जो जिम्मेदार थे उन लोगों ने देखा कि ये पैंट शर्ट पहना हुआ है। तो शहर में आदमी रहता है तो थोड़ा माहौल का भी फर्क हो जाता है। तो उन लोगों ने उनको मारा, पीटा, उनकी माँ को भी मारा, कुल्हाड़ियाँ मारी, जख्मी किया। ये उनको इंसाफ नहीं मिला, और वो एक बेटा और उनके बेटियां उनको भी सबको मारा। पूरा उनका जो गांव है, पिंड है, वो सब जानती है, इस चीज की गवाही देती है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद किया गया उस फैमिली पे। तो अभी तक किसी ने इंसाफ नहीं किया उनके साथ। वो गरीब है, बेबस है, माली इमदाद भी उनकी की जाए, और IG पंजाब से जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे थाना इंचार्ज है उधर के, तो हम सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप उन गरीबों की मदद की जाए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि और दोबारा किसी बहन भाई के साथ या किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना कर सके। वडेरा है, पैसे वाला जंगीरदार है, या पैसे के दौर पे, नशे के दौर में किसी पे जुल्म करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी, उस वो औरत बीबी है उसके भी आप बातें सुने क्या कह रही है, ठीक है। उसके बाद आपने इंसाफ करना, आप उन डायरेक्ट उनके साथ के फैमिली के साथ रब्ता करें, वो बहुत गरीब लोग हैं, उनके माली भी इमदाद की जाए, और उनके आप सब लोग आवाज उठाए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए उनके साथ जो ज्यादती हुई है, ताकि दोबारा किसी गरीब के साथ कोई जुल्म ना कर सके, कोई ज्यादती ना कर सके। फ्रेंड्स, बस मेरा मकसद यही है आज का वीडियो बनाने के, बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपने वीडियो पूरी देखनी है, वॉच करनी है, और अभी वीडियो बाकी है, चलते वीडियो की तरफ। और जो अपनी लेडीज है, बीबी हमारी, उनकी जबानी सुनिए, वो आपको पिक्चर दिखा रही है, सब कुछ दिखाएगी जो उनके साथ हुआ। चले फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मैं उस फैमिली के पास आ गया हूँ, उनके घर आ गया हूँ, तो ये सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, जो इनके साथ इंसाफ हुआ है या जो ताउन कर रहे हैं लोग, ये अपने ज़बान से आपको बताएंगे, बाकी आपने खुद देखना है। तो बाजी बताएं ज़रा, आप सब कुछ बताएं। मोड़ी ना आके सन समाणी इनकी सी देख सके मारत पर संबंध
नहीं पूरा दसो मुख्तार का नाम। अच्छा, मुर्तज़र मादी और मुख्तियार कमलाना, ये उमर भाई सुन ले नाम, और वीडियो में भी आपने देखा होगा, जो वीडियो आपके आपके पास पहुंची है ना, और ये तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। और ये भाई वो बच्चा है जो जो आपने वीडियो में देखा, ये छोटा सा बच्चा आप देख लें, ये अपने माँ और बहनों के साथ किस तरह से साथ दे सकता था। और ये बच्चियाँ हैं, ये मर्दों के साथ कैसे लड़ सकती हैं। ये वो औरत है जिसे जिसकी आपने वीडियो देखी है, और ये देखें उसकी, ये देख लें ये तस्वीर, ये उमर भाई ये भी है, ये देख लें, और ये उमर भाई, ये सब कुछ मैंने देख लिया उनका। बाकी आपको इनका नंबर भेज देता हूँ मैं, तो SHO का भी नंबर आपको भेज देता हूँ, आप बात करें। और इनको आपने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इनको इंसाफ चाहिए, और करना है आपने इंसाफ इंशाल्लाह ताला। मैं भी आपको भेज